दोस्तों ओप्पो ने ऑफलाइन मार्केट के लिए दो नए फोन लॉन्च कर दिए हैं, जो कि है ओप्पो A5 2020 और साथ में ओप्पो A9 2020। आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए। इस वीडियो में आपके लिए लेके आया ओप्पो A5 2020, इसकी अनबॉक्सिंग करूंगा और साथ में मैं आपको ओप्पो A9 2020 के बारे में भी बताऊंगा और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा क्या आपको ओप्पो A5 2020 या ओप्पो A9 2020 लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो प्लीज आप इस वीडियो के साथ बने रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे मेरे पास ओप्पो A5 2020 का बॉक्स है। अगर बॉक्स की डिजाइनिंग की बात करें दोस्तों, सिंपल सा बॉक्स है व्हाइट कलर में और यहाँ पे आपको ओप्पो A5 2020 का एक डिजाइन मिल जाता है फोन का, जो कि बताता है इसमें आपको क्वाड कैमरा का एक फोन मिल जाता है रियर में और फ्रंट में आपको एक नॉच डिस्प्ले मिल जाता है और साथ में इसमें आपको 4GB और 64GB का वेरिएंट मिल जाता है। यहाँ पे आपको ओप्पो A5 2020 का लोगो मिल जाता है और राइट साइड में ओप्पो और यहाँ पे ओप्पो और पीछे की तरफ यहाँ पे कुछ इसके हाईलाइट्स हैं, जो कि आपको प्राइस कैमरा वगैरह का आपको इन्फॉर्मेशन दे देता है। बॉक्स से पीछे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4GB 64GB का मेरे पास यहाँ पे वेरियंट है और यहाँ पे कुछ और हाईलाइट है, जो कि अल्ट्रा वाइड क्वाड कैमरा है 5000mAh की, इसमें आपको बैटरी मिल जाती है। स्नैपड्रैगन 665 का प्रोसेसर मिल जाता है, गेम बूस्ट 2.0 इसमें आपको मिल जाता है, ड्यूल स्पीकर जो कि डॉल्बी एटम्स के साथ आता है। दोस्तों इसकी प्राइस यहाँ पे दिया गया है 15,990 रुपये का, बट आपको ऑफलाइन मार्केट में दोस्तों ये मिल जाएगा 13,990 रुपये में, जिसे आप ऑफलाइन मार्केट में परचेस कर सकते हैं और साथ में मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक दूंगा, आप वहाँ से जाके भी परचेस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों करते हैं इस बॉक्स को ओपन और देखते हैं कि आपको बॉक्स कंटेंट में क्या मिलता है। दोस्तों अगर ओप्पो A9 2020 की बात करूं तो यहां पे आपको ओप्पो A9 में मिल जाता है 8GB और 128GB का वेरिएंट और साथ में कैमरा आपको मिल जाता है 48MP का, बाकी सब कुछ सेम है और प्राइस के मामले में दोस्तों यहां पे आपको मिल जाता है 6000 रुपये का डिफरेंस। आपके ऊपर है आपको ओप्पो A5 2020 लेना है या ओप्पो A9 2020 लेना है। तो यहाँ पर मैं करता हूँ बॉक्स को ओपन। दोस्तों बॉक्स ओपन करने के बाद यहाँ पे मिल जाता है आप एक एनवलप और इस एनवलप में चेक करते हैं कि क्या मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ इसको ओपन और दोस्तों ओपन करने के बाद सबसे पहले मिलता है आपको यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट केस ओप्पो A5 2020 का। तो फिलहाल के लिए मैं रखता हूँ इसको साइड में और यहाँ पे आपको मिल जाता है क्यूब गाइड और यूजर मैनुअल सेफ्टी गाइड और यहाँ पे सिम इजेक्टर टूल। तो रखता हूँ इसको साइड में और देन उसके बाद आपको मिल जाता है इसमें आपको ओप्पो A5 2020। फिलहाल के लिए रखता हूँ इसको साइड में और देखते हैं बॉक्स कंटेंट में आपको और क्या मिल जाता है। तो इसमें आपको मिल जाता है USB पावर एडाप्टर। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है ओप्पो का पावर एडाप्टर और इसकी आउटपुट रेटिंग है दोस्तों 5W और 2A की। और साथ में दोस्तों इसमें आपको मिलता है ईयरफोन, जो कि काफ़ी अच्छी बात है कि फ़ोन के साथ आपको ईयरफोन भी मिल रहा है, वरना तो और कंपनियों ने यहाँ पे अपने बॉक्स से ईयरफोन हटा दिया। तो एक यहाँ पे प्लस पॉइंट है ओप्पो A5 2020 का, इसके साथ आपको ओप्पो का ईयरफोन फ्री मिल जाता है। और साथ में दोस्तों इसमें आपको मिल जाता है USB डाटा केबल। चेक करते हैं कि इस पर आपको मिलता है एक नॉर्मल डाटा केबल या आपको टाइप सी डाटा केबल मिलता है। तो है दोस्तों यहाँ पे आपको एक टाइप सी डाटा केबल मिल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये भी प्लस पॉइंट है कि इसमें आपको एक टाइप सी डाटा केबल मिल जाता है। तो फिलहाल के लगते हैं सारे बॉक्स कंटेंट को साइड में और बात करते हैं ओप्पो A5 2020 के। तो मैं एक बार रख देता हूँ इनको साइड में और दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे ओप्पो A5 2020 की। दोस्तों यहाँ पे रैपिंग है ओप्पो A5 2020 की, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मेन हाईलाइट्स है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो एक बार मैं कर देता हूँ रिमूव और दोस्तों इसकी आप फर्स्ट लुक देखने जा रहे हैं। और दोस्तों फर्स्ट लुक यहाँ पे आपको वाइट कलर में, जो मेरे पास यहाँ पे डेजलिंग वाइट में है। ओप्पो A5 2020 का एक कलर और आता है दोस्तों, जो कि है मिरर ब्लैक कलर में और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी जो कलर है दोस्तों वो काफ़ी यहाँ पे अट्रैक्टिव आपको देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आपको ग्रेडियंट थ्रीडी डिजाइन देखने को मिल जाता है, जो कि सन लाइट से और लाइट से इफेक्ट होने वाला है। और यहाँ पे बैट का बहुत ही प्यारा लग रहा है दोस्तों फर्स्ट इंप्रेशन में, तो आपको ये प्रीमियम फोन से कम नहीं लगेगा। और यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 कैमरे का सेटअप दिया गया है और साथ में यहाँ पे एक छोटा सा कैमरा दिया गया है जो कि मैक्रो कैमरा होगा। और यहाँ पे एक LED फ्लैश दिया गया है, जो कि और अट्रैक्टिव बना रहा है यहाँ पे ओप्पो A5 2020 को। और फ्रंट में आपको एक नॉच डिस्प्ले मिल जाता है। तो एक बार मैं कर देता हूँ इसको ऑन और फिर बात करते हैं इसकी फिजिकल ओवरव्यू की। तो सो अगर फिजिकल ओवरव्यू की बात करें तो यहाँ पे आपको मिल जाता है क्वाड कैमरा का सेटअप, जो कि कुछ इस प्रकार है। इसमें आपको मिल जाता है 8MP का डेप्थ सेंसिंग कैमरा, साथ में मिल जाता है आपको 12MP का दोस्तों इसमें आपको मेन कैमरा मिल जाता है
कैमरा और यहाँ पे आपको मिल जाता है 2 मेगापिक्सल का पोर्ट्रेट कैमरा और दोस्तों यहाँ पे आपको मिल जाता है 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा और साथ में यहाँ पे मिल जाता है आपको LED फ्लैश, यहाँ पे मिल जाता है आपको फिंगरप्रिंट सेंसर और यहाँ पे लिया गया है सेंटर में इसके ओप्पो डिजाइन 4A सीरीज। तो यहाँ पे डिजाइन 4A सीरीज दिया गया है। अगर दोस्तों इसकी राइट साइड की बात करें तो यहाँ पे आपको एक पावर बटन दिया गया है। ऊपर की साइड की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे कुछ नहीं है और यहाँ पे जो डिजाइन दिया गया है वो काफी अट्रैक्टिव दिया गया है। यहाँ पे आपको सिम स्लॉट मिल जाता है, चेक करते हैं कि आपको किस टाइप का सिम स्लॉट मिलता है, क्या इसमें आपको एक हाइब्रिड या नॉन हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को मिलता है, तो एक बार वो चेक कर लेता हूँ। तो दोस्तों इसके अंदर आपको 2 सिम प्लस एक माइक्रो SD कार्ड लगा सकते हैं, तो यहाँ पे आपको मिलता है एक नॉन हाइब्रिड सिम स्लॉट जो कि यहाँ पे एक और प्लस पॉइंट है। नाउ यहाँ पे मिल जाता है वॉल्यूम रॉकर डाउन एंड अप का, नीचे की तरफ दोस्तों यहाँ पे आपको मिल जाता है 3.5 mm का जैक और यहाँ पे आपको मिल जाता है प्राइमरी माइक और साथ में USB टाइप सी चार्जिंग पोर्ट और स्पीकर ग्रिल। दोस्तों ऊपर की तरफ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मिल जाता है आपको 6.50 inch का HD+ डिस्प्ले। दोस्तों हाँ, इसमें आपको HD+ डिस्प्ले मिलेगा जो कि इसके लिए माइनस पॉइंट जरूर साबित होने वाला है और यहाँ पे आपको एक मिल जाता है नॉच और इसी नॉच के अंदर आपको मिलता है यहाँ पे 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा जो कि एक और माइनस पॉइंट इस फोन के लिए साबित होने वाला है। तो दोस्तों मैं करता हूँ इस फोन को एक बार सेटअप। दोस्तों फाइनली मैंने यहाँ पे फोन को सक्सेसफुली सेट कर दिया और साथ में मैंने यहाँ पे फिंगर लॉक और फेस लॉक को भी सेव कर दिया। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे डिस्प्ले की और दोस्तों अगर डिस्प्ले पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐप प्री इंस्टॉल देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि अमेजोन, पेटीएम, हेलो ऐप, डेली हंट वगैरह आप देख सकते हैं। हालांकि आप दोस्तों इसको रिमूव कर सकते हैं, अनइंस्टॉल कर सकते हैं, जिसके लिए आपको ओप्पो का लॉन्चर में आना पड़ेगा और यहाँ पे जाके आप अनइंस्टॉल वगैरह कर सकते हैं। ना दोस्तों सबसे पहले एक बार चेक करते हैं इसका फेस लॉक कैसे काम करता है। तो मैं इसको लॉक करता हूँ और दोस्तों यहाँ पे मेरा फेस इसी की तरफ है, मैंने दबाया यहाँ पे पावर बटन को और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं ऑन हो गया। दोबारा से एक बार चेक करते हैं और मैं थोड़ा सा इसको लाता हूँ अपने फेस के पास में और देखते हैं, और दोस्तों ऑन हो गया। एक बार मैं और लाता हूँ पास में और देन ऑन। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि जितना आप फ़ोन को दूर करेंगे अपने फेस से वो उतना ही टाइम लेगा ओपन करने में और जितना ही आप पास लाएंगे वो उतना ही फास्ट काम करेगा। तो दोस्तों यहाँ पे फेस लॉक अच्छा काम करता है। चेक करते हैं यहाँ पे फिंगर लॉक कैसे काम करता है। तो यहाँ पे मेरा फ़ोन लॉक है और यहाँ मैंने टच किया और यहाँ पे दोबारा से करता हूँ टच ओपन, टच ओपन। तो दोस्तों फेस लॉक और फिंगर लॉक पे अच्छा काम करता है, आपको कोई शिकायत देखने को नहीं मिलेगा। चलते हैं एक बार इसकी सेटिंग में और सेटिंग में जाकर देखते हैं इसमें कौन सा सॉफ्टवेयर वर्जन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ इसके अबाउट फोन में और अबाउट फोन में आने के बाद दोस्तों सबसे पहले मिलता है इसमें आपको एंड्रॉयड वर्जन 9 जो कि एंड्रॉयड पाई है और जो कलर ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन इसमें आपको मिल जाता है 6.0.1 का। और दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि इसमें प्रोसेसर 665 है, रैम 4 GB मिल जाता है इसके अंदर और स्टोरेज 64 GB में से आपको दोस्तों अप्रोक्स 45 GB फ्री मिल जाता है और इसमें आपको सिक्योरिटी पैच सितंबर का मिल जाता है जो कि लेटेस्ट ही है। और यहाँ पे चलते हैं कैमरे में और देखते हैं कैमरे में आपको क्या क्या फीचर मिल जाता है जो कि क्वाड कैमरा का सेटअप है। यहाँ पर नाइट पैनोरामा, एक्सपर्ट, टाइमलेस और स्लो मोशन और स्टिकर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। फोटो और पोर्ट्रेट का ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाता है। सेम यहाँ पर भी आप सेल्फी में भी देख सकते हैं कि पैनो, टाइम लैप्स और स्टिकर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे मैं लेता हूँ कुछ कैमरा सैंपल्स और देखते हैं कि इसकी कैमरा क्वालिटी। दोस्तों यहाँ पे मैंने 2 फोटो क्लिक किया है जो कि रियर कैमरा और फ्रंट कैमरा से दोनों से लिया गया है। ये वाला फोटो मैंने रियर कैमरा से क्लिक किया गया और दोस्तों क्वालिटी की बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पे क्वालिटी ठीक ठाक है। यहाँ पे आपको 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है, उसके हिसाब से दोस्तों यहाँ पे अगर मैं क्वालिटी की बात करूँ दोस्तों क्वालिटी बिल्कुल ओके है। यहाँ पे फ्रंट कैमरा अच्छा मिलता है। यहाँ पे मैंने एक रियर कैमरे से ही फोटो क्लिक किया था ओप्पो A5 2020 का बॉक्स और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी क्वालिटी आपको ठीक ठाक मिल जाता है। तो दोस्तों ये था ओप्पो A5 2020 की अनबॉक्सिंग। दोस्तों ओप्पो A5 2020 आपको मिलता है 13,990 रुपये में, जिसमें आपको 4 GB 64 GB वेरियंट मिल जाता है, 665 का प्रोसेसर है और ग्राफिक्स की बात करूँ तो इसमें एंड्रीनो 610 का ग्राफिक मिल जाता है, 5000 mAh की बैटरी है और क्वाड कैमरा का सेटअप मिल जाता है। दोस्तों ओवरऑल ये फोन आपको लेना चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और अगर दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए लेकर आता रहता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।